हेलो भैया, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 अध्याय 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो बच्चों, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, उन्हें देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहली है बच्चों सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ ए सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी संतृप्त विलयन कैसा विलयन है बच्चों? एक ऐसा विलयन है जो दिए गए तापमान पर किसी विलय को और अधिक मात्रा में नहीं घोल सकता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों सॉल्युबिलिटी या विलयता की। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी विलयता किसी पदार्थ की संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को कहते हैं बच्चों, ठीक है। और एक आखिरी टर्म है बच्चों अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन। तो ये क्या है बच्चों? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी असंतृप्त विलयन क्या है बच्चों? एक ऐसा विलयन है जो दिए गए तापमान पर कुछ और विलय को घोल सकता है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी बच्चों जो आपको जाननी है, सॉल्यूशन के साथ पढ़नी है, समझनी है, कई बार ये आपसे पूछ ली जाती हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे मेन पे आते हैं बच्चों। सबसे पहला है बच्चों हमारे पास सस्पेंशन। तो इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट बट दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर। दीज पार्टिकल्स कैन बी ईजीली सीन विद द नेक्ट आई। दिस इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी सस्पेंशन या निलंबन कैसा मिश्रण है बच्चों? जो विलय के कण विलायक में नहीं घुलते हैं जहाँ पे, बल्कि मिश्रण में निलंबित रहते हैं, इसलिए इसको निलंबित मिश्रण कहते हैं बच्चों। इन कणों को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। ये एक विषमांगी मिश्रण है बच्चों। यानी सॉल्यूट पार्टिकल स्कैटर्स लाइट एंड द पार्ट ऑफ लाइट इज विजिबल। ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी बच्चों, इस तरह से आपको, जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं बच्चों। फिर बात आती है बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, यानी निलंबन के गुण। तो इसमें सबसे पहले ये बच्चों, सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज़ अनस्टेबल। यानी द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज़ लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। यानी निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, ये प्रकृति में अस्थिर होता है और विलय के कण तब बैठ जाते हैं जब इसे बिना छेड़े छोड़ दिया जाता है बच्चों। फिर क्या है बच्चों? इट्स पार्टिकल साइज इज बिग एनफ टू सी विद ए नेक्ट आइज। यानी इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फिर क्या बच्चों? द सस्पेंडेड पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल, जो कि टिंडल इफेक्ट दिखाता है बच्चों, अनटिल दे सेटल डाउन इन द मिक्सचर। यानी लटके कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को बखेरते हैं और मिश्रण के स्थिर होने तक अपना रास्ता दिखाते हैं, जैसे कि हम टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं बच्चों। फिर दिस कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी इन्हें छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग अलग किया जा सकता है बच्चों। और आखिरी है बच्चों आपका क्या? द सॉल्यूट कैन ईजीली बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर और ए फाइन क्लॉथ थ्रू द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यानी निष्पादन प्रक्रिया के माध्यम से फिल्टर पेपर या महीन कपड़े का उपयोग करके विलय और विलायक को आसानी से अलग किया जा सकता है बच्चों। अब बात आता है बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन की या कोलोइडल विलयन की। तो इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज बिगर देन द पार्टिकल साइज ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द पार्टिकल्स ऑफ साइज ऑफ ए सस्पेंशन। दस दिस मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजीनियस इन अपीयरेंस ओनली। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। यानी इस मिश्रण के कणों का आकार एक वास्तविक विलयन के कण आकार से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कण आकार से छोटे होते हैं। इस प्रकार का मिश्रण केवल देखने में सजातीय या सामांगी होता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम कोलोइडल विलयन कहते हैं बच्चों, और ये इसके उदाहरण है बच्चों आपके, ठीक है। इसे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में बच्चों। फिर बात आती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड की, यानी कोलोइडल विलयन के गुणों की। तो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज अनस्टेबल इन नेचर। फिर है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ट आइज।
बट बिग एनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पार्ट विजिबल इन इट. टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जॉर्व इन ए कॉलॉइड बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन. यानी कॉलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से नंग आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह इतना बड़ा होता है कि वह इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को बखेर देता है और इसका मार्ग दिखाई देता है. टिंडल प्रभाव कोलाइड में देखा जा सकता है लेकिन वास्तविक विलयन में नहीं देखा जा सकता, और इस पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन प्रोसेस. यानी इसके कणों को छानने की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है. बच्चों अब लाइक सॉल्यूशन कोलाइड सॉल्यूशन आल्सो हैव टू पार्ट. यानी कि इसे दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज, दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम. एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट आर प्रेजेंट इन मिल्क आर डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम. यानी कि बच्चों क्या कह रहा है ये, कि विलयन की भांति कोलाइडी विलयन के भी दो भाग होते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था प्रक्षेपण माध्यम. उदाहरण दूध और पानी के मिश्रण में दूध में मौजूद प्रोटीन और वसा के कण डिस्पर्स्ड फेज यानी कि प्रक्षिप्त प्रवस्था होते हैं और पानी डिस्पर्सन मीडियम यानी परिसंक्रमण माध्यम होता है बच्चों. और ये कुछ आपके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लिक्विड और गैस का हो गया, अगर तरल और गैस का तो ये एरोसेल बनाता है जिसमें हम कोहरा बादल धुंध फॉग क्लाउड और मिस्ट को देख सकते हैं बच्चों. ठोस और गैस की अगर बात करें, सॉलिड और गैस में भी आपको एरोसोल देखने को मिलते हैं बच्चों, जिसमें आपका स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है बच्चों. फिर अगर गैस और लिक्विड की अगर बात करें तो फॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो कि शेविंग क्रीम है. अगर लिक्विड लिक्विड की बात करें तो बच्चों इमल्शन आपको देखने को मिलता है जो कि दूध और फ्रेश क्रीम में देखने को मिलता है बच्चों. चलिए अगला देखते हैं. फिर बात आती है बच्चों आपके मेन की बात की, टिंडल इफेक्ट की या टिंडल प्रभाव की. तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइड पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सॉल्यूशन. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. यानी जब प्रकाश की किरण को कोलाइडल विलयन से गुजारा जाता है तो कोलाइड कण प्रकाश की किरणों को बखेर देते हैं और विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है. इस प्रभाव को हम क्या कह देते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कह देते हैं. अब टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स. यानी टिंडल प्रभाव जब देखा जा सकता है जब धूल और धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश एक छोटे से छिद्र के माध्यम से कमरे में प्रवेश करता है. जो ऊपर हमने जो पिक्स देखी थी बच्चों उसके बारे में कह रहा है, जैसे कि ये आपकी पहले वाली पिक है बच्चों. दूसरी क्या कह रहा है बच्चों, ये द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट. यानी कि इस वाले पिक की बात कर रहा भी है, यानी धुंध में पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश में के प्रकीर्णन के कारण घने जंगल में टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है बच्चों. तो बच्चों ये वाला टॉपिक आपका यहीं हो गया कंप्लीट. आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू.